दिल्ली के पास गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब एक पालतू कुत्ते ने वहाँ के एक रिहायशी इलाके में रहने वाले शख्स को जोर से काट लिया लोग इतना खौफजदा हुए कि सभी लोग अपने घरों से निकल गए और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा हंगामा किया गया रात के हुए हंगामे के बाद भी लोगों ने सब्र नहीं किया लोग लगातार दिन में भी सड़कों पर आ गए लोगों का कहना था कि इस कुत्ते के परिवार यानी कि जो कुत्ते का मालिक है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा पाँच हज़ार का जुर्माना लगा कर जो कुत्ता स्वामी होता है उसको छोड़ दिया जाता है अब ऐसे में जो लोग जख्मी होते हैं कुत्ते के काटने से उनका इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कुत्तों को क्यों बैन नहीं किया गया हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जाता है कि पिटबुल और अन्य कुत्ते पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं लेकिन बावजूद इसके लोग कुत्तों को घुमाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि बीते दिनों गाजियाबाद के एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने इस कदर काटा कि उसके चेहरे पर तकरीबन एक टांके लगाए गए थे ऐसे में उसका परिवार अब तक खौफजदा है बच्चे की अगर माने तो बच्चे को कुत्ते के नाम महज से काफी डर लगता है ऐसे में बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है एक टाके कोई बड़ी बात ही मानी जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा लगातार ये कहा गया है कि इतनी बड़ी घटना भविष्य में ना हो इसको लेकर ऐसे कुत्तों को पूरी तरीके से बैन करा जाए गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार पुलिस विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं गाजियाबाद से अपने सुराव के साथ जितेंद्र भाटी प्राइम न्यूज़